नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एडियो एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। यहाँ पे हम बात करेंगे मिक्सचर की। मिक्सचर में कई सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं, उनको हम सेपरेट कैसे करेंगे, उन सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये क्लास 6 का चैप्टर है, चलिए शुरू करते हैं। सेपरेशन प्रोसेस, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। आपने घर में देखा होगा कि दूध से जो बटर अलग किया जाता है वो चर्निंग प्रोसेस से अलग किया जाता है, यानी दूध को रोटेट किया जाता है और उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आती है जिसकी वजह से दूध अपने मक्खन से अलग हो जाता है, बटर को दूध से अलग कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं चर्निंग। सेपरेट टी लीव्स, जैसे कि चाय बनती है घर में तो हम उसके टी लीव्स को कैसे अलग करते हैं, स्ट्रेनर से। क्या करेंगे, उसमें स्ट्रेनर से चाय को छानते हैं तो उसके बाद हमारे पास लीव्स उसके ऊपर बचाते हैं और जो लिक्विड है वो नीचे आ जाता है। सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, स्टोन आपने देखा होगा घरों में, जब जैसे चावल बनते हैं तो उससे पहले उसमें से छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े छाटे जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टोन को हम सेपरेट करते हैं। यानी जो सेपरेशन प्रोसेस है इसमें हम मिक्सचर में से या तो इम्प्योरिटीज निकालते हैं या दो से दो अधिक अगर उसमें सब्सटेंसेस हैं तो उनको हम आपस में अलग करते हैं। पर्पस क्या है, पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, टू सेपरेट टू डिफरेंट टू और मोर भी हो सकते हैं बट यूजफुल कंपोनेंट, या तो वो सारे के सारे यूजफुल कंपोनेंट हो, यानी जितने भी सब्सटेंसेस उस मिक्सचर के अंदर हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो, यूजफुल हो। जैसे कि आपने आपके सामने एक मिक्सचर है जिसमें बादाम काजू ये सब मिक्सड है, तो हमने बादाम को अलग कर दिया और काजू को अलग कर दिया, दोनों यूजफुल मिक्सचर थे, दोनों को अलग अलग कर दिया। और हम किस लिए यूज करते हैं, हम करते हैं उसको रिमूव करने के लिए जो भी उसके अंदर यूजलेस आइटम है। जैसे चावल में से हमने पत्थर निकाले, पत्थर हमें क्यों निकालने पड़े, कंकड़ के टुकड़े क्यों निकालने पड़े, पेबल्स क्यों निकाले, क्योंकि वो हमें चाहिए ही नहीं, वो अनडिजायर्ड आइटम है, हमें तो सिर्फ राइस चाहिए। तो टू रिमूव यूजलेस एंड अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स। थर्ड है रिमूव इम्प्योरिटीज, अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटीज हैं तो उनको रिमूव करने के लिए, या उसके अंदर कुछ हार्मफुल कंपोनेंट है तो उसको रिमूव करने के लिए। यानी ये रिमूव करता है यूजलेस अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज एंड हार्मफुल कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए यूज करते हैं इसको, या फिर सारे के सारे यूजफुल कंपोनेंट हो तो हम सेपरेशन मेथड्स का यूज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चर्निंग की। चर्निंग हमने जैसा डिस्कस किया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे काम करता है, इसमें लिक्विड को एक स्पीड पे घुमाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख रहे हैं, इसके अंदर यहाँ से मैन्युअली इसको घुमाया जा रहा है, तो क्या होगा, बटर जो होता है वो लाइट वेट होता है, उसका जो बटर मिल्क जो नीचे बचेगा उससे लाइट वेट में रहता है तो वो ऊपर आ जाता है और वो किनारों की तरफ चिपकना शुरू हो जाता है। इस तरीके से हम इसमें से बटर निकालते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द लाइटर पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंडेड सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड। सस्पेंडेड क्या होता है, जो पार्टिकल्स किसी भी लिक्विड में हैंग हो उनको हम बोलते हैं सस्पेंडेड, उनको अलग करने के लिए हम चर्निंग प्रोसेस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू ऑब्टेन बटर फ्रॉम द कर्ड ओट मिल्क, जब हम दही से मक्खन निकालते हैं या मिल्क से। हैंड पिकिंग, हैव यू एवर सीन योर मदर पिकिंग आउट इम्प्योरिटीज बाई हैंड फ्रॉम राइस बिफोर कुकिंग इट। आपने देखा होगा कि आपके घर में जब राइस बनाए जाते हैं तो उससे पहले उसके अंदर से इम्प्योरिटीज निकाली जाती है, जैसे कि उसके अंदर स्टोन पार्टिकल्स हैं, तो स्टोन पार्टिकल क्या करते हैं, आपकी मदर उनको हैंड से पिक करती है, उनको अलग कर देती है। हैंड पिकिंग इज ए सेपरेशन टेक्निक इन विच सब्सटेंस इन ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाई जस्ट पिकिंग देम आउट। इसमें हम जस्ट उनको पिक कर लेते हैं दूसरे मिक्सचर से, दूसरे सब्सटेंस से, ये इम्प्योरिटीज हैं इनको हमने अलग कर दिया। दिस मेथड कैन बी यूज्ड व्हेन अमाउंट ऑफ मिक्सचर इज नॉट वेरी लार्ज। इस चीज पे ध्यान देना कि नॉट वेरी लार्ज, जो अमाउंट है वो ज्यादा बड़ी नहीं है, अगर ज्यादा बड़ी अमाउंट होगी तो हैंड पिकिंग पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि कितना हैंड पिकिंग करेंगे, एक लिमिटेड अमाउंट है तो आप हैंड पिकिंग कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो पीस ऑफ डर्ट है वो थोड़े लार्ज होने चाहिए ताकि वो दिखाई दें, दिखाई देंगे तभी तो आप उनको सेपरेट कर पाएंगे, या तो वो इतने बारीक हुए कि आप उनको देख ही नहीं पा रहे तो सेपरेट कैसे करेंगे। यानी
जो हम इस मेथड को यूज करने के लिए, आप कह सकते हो कि हमारे पास दो तरह लिमिटेशन है कि एक तो अमाउंट ज्यादा नहीं होनी चाहिए मिक्सचर की, और दूसरा क्या, उसके पार्टिकल्स जो है वो थोड़े मोटे होने चाहिए, थोड़ा सा साइज में ऐसा होना चाहिए कि तो इजीली विजिबल हो, पिक करना आसान हो। नेक्स्ट है थ्रेशिंग। ए फार्मर यूज थ्रेशिंग टेक्निक टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक्स। द स्टॉक्स आर बीटन टू सेपरेट द ग्रेन सीड्स व्हीट राइस बार्ले एंड मेज ब्लॉक्स और मशीन्स में बी यूजफुल फॉर थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या किया जाता है कि जैसे स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक्स क्या होते हैं, जैसे फसल जब कटती है, हार्वेस्ट की जाती है, तो उसकी बांध के एक बंच बना दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक्स। तो उस स्टॉक्स को जब किसी हार्ड सरफेस पे पटका जाता है तो उसके अंदर से ग्रेन को अलग कर लिया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो फार्मर है ये यहाँ पे इसको बार बार पटक रहा है, और जो नीचे है, जो नीचे यहाँ पे ये सारा आपका ग्रेन इकट्ठा हो गया, यानी जो भी था गेहूं चावल जो भी थे वो आपका नीचे इकट्ठा हो गया। तो इसके लिए क्या, सबसे पहले फसल पकती है, फिर सुखाई जाती है, फिर उसकी स्टॉक्स बनाए जाते हैं, स्टॉक्स को फिर ऐसे पटका जाता है, और फिर हमें क्या मिलता है, हमारा ग्रेन हमें आउटपुट में मिल जाता है। इसको हम मशीन से भी कर सकते हैं। इस मशीन में सबसे पहले थ्रेशिंग की जाती है। इस मशीन में तीन और भी प्रोसेस की जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं थ्रेशिंग की। थ्रेशिंग में मतलब उसको घुमाया जाता है, बार बार घुमाने से क्या है, मतलब वो आप पटका गया एक तरह से, तो उसमें क्या होगा, उससे फिर ग्रेन्स अलग हो जाएंगे। सेम मेथड है ये, हम पशुओं के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, यानी कैटल्स को भी यूज किया जाता है थ्रेशिंग मेथड में। विनोइंग। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट लाइटर कंपोनेंट। इस बात पे ध्यान देना कि लाइटर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम हैवियर कंपोनेंट्स। इसमें हम लाइटर पार्टिकल्स को अलग करते हैं हैवियर कंपोनेंट, भारी कंपोनेंट से, बाय विंड, हवा से। दिस टेक्निक वर्क्स ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ डेंसिटी डिफरेंस। ये डेंसिटी डिफरेंस के प्रिंसिपल पे काम करती है। डेंसिटी डिफरेंस क्या है कि इसमें जिस किसी सब्सटेंस में कम उसके जो एटम्स, उसके जो मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो उसका क्या वेट ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें हम लाइटर पार्टिकल को अलग करते हैं हैवियर पार्टिकल से। द फार्मर यूज विनोइंग सेपरेशन टेक्निक टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स। हस्क पार्टिकल्स क्या होता है, जब फसल, जैसे हमने लास्ट उसमें देखा था जब उन्होंने उसकी थ्रेशिंग की, थ्रेशिंग के साथ उसमें छोटे छोटे पार्टिकल लीव्स के आ गए, छोटे छोटे पार्टिकल उसके स्टेम्स के आ गए, तो जो ये पार्टिकल है इनको हम बोलते हैं हस्क। तो हस्क जो है वो हल्का होता है, और सीड जो है वो हैवी होते हैं, हैवियर सीड। द लाइटर पार्टिकल्स आर कैरीड अवे बाई विंड। जो लाइटर पार्टिकल है उनको हवा उड़ा देती है। वाइल हैवियर सीड्स फॉर्म ए हीप नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ विनोइंग। जहां से हम विनोइंग कर रहे हैं वो नजदीक, हैवियर जो पार्टिकल होंगे, जो भारी पार्टिकल होंगे वो वहीं पे गिर जाएंगे। फॉर विनोइंग वी यूज इधर नेचुरल विंड और ब्लो एयर। या तो हम इसमें नेचुरल विंड का यूज करते हैं, या हम एयर किसी मीडियम से ब्लो करते हैं, यानी कि फैन हो एटसेट्रा। अभी आप यहाँ पे देखिए, ये विनोइंग प्लेटफॉर्म हो गया, यहाँ से विनोइंग की जा रही है, एयर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ये एयर फ्लो कर रही है। तो जब एयर फ्लो करती है तो जो लाइट पार्टिकल थे वो एयर के साथ उड़ के यहाँ पे दूर इकट्ठे हो गए, ये एयर के साथ ये पार्टिकल्स, यानी ये हस्क जो है वो यहाँ पे अलग हो गया, और जो हमारे पास यहाँ पे बचा, ये क्या बचा, ये ग्रेन बचा। ये हैवियर था, वो लाइटर था। लाइटर पार्टिकल्स को हम अलग करते हैं हैवियर पार्टिकल से विनोइंग में। नेक्स्ट है सीविंग। यू माइट हैव सीन योर मदर यूज ए सीव टू सेपरेट इम्प्योरिटीज एंड ब्रान फ्रॉम फ्लोर बिफोर यूजिंग इट। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे, छलनी यूज करते हैं, यानी सीव यूज करते हैं हम इसमें से इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए। आपने देखा होगा घर में जब आटा छाना जाता है तो जो लाइट आटा है वो नीचे आ गया, और जो मोटे पार्टिकल्स हैं, यानी जो लार्ज पार्टिकल्स हैं, वो ऊपर रह जाते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट साइजेस। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, डिफरेंट साइजेस के। इसमें कंपोनेंट का साइज अलग अलग होना चाहिए, और इन्हीं कंपोनेंट के साइज के हिसाब से हम सीव का चूज करते हैं कि हमें इसमें किस तरह की सीव यूज करनी है, थोड़ा मोटे छेद वाली करनी है या स्मॉल होल वाली करनी है, तो ये हम उसके हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि आप नीचे देखेंगे, ये भी एक सीविंग है जहाँ पे मोटे पार्टिकल्स छोटे कंकड़ से अलग किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो सीविंग के लिए हम यूज करते हैं वो एक अलग सीव है, और यहाँ पे एक अलग है। सीविंग रिमूव्स इम्प्योरिटीज लाइक स्टोन्स, स्टॉक एंड हस्क
एंड स्टिल रिमेन आफ्टर थ्रेशिंग एंड विनोइंग। अच्छा, आपने कई बार देखा होगा जब थ्रेशिंग भी हमने कर दी, हमने जब उसको थ्रेश किया तो उसमें हस्क पार्टिकल भी उसके साथ थे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कुछ दूसरे चीजें, जैसे उसके अंदर कुछ और फसल के बीच में कुछ कुछ हो जाता है, तो उसके छोटे छोटे दाने होते हैं, ग्रेन्स जो होंगे उसके काफी बारीक होते हैं, जो भी उसके अंदर अनवांटेड चीजें होती हैं। तो हम उसको अपने नॉर्मल ग्रेन से कैसे अलग करेंगे जब उनका साइज छोटा है? तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसकी सीविंग करेंगे। सीविंग करने से क्या होगा, लाइटर पार्टिकल जो, सॉरी, स्मॉल साइज जो था वो पार्टिकल नीचे आ जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे और हमारे पास मेन ग्रेन बच जाएगा। द सीव ओनली रिमूव्स द पार्टिकल्स ऑफ इम्प्योरिटीज दैट आर लार्जर देन द पोर्स इन द सीव। यानी इसमें जो सीव के पोर्स है उनसे बड़ा साइज होना चाहिए तभी अलग कर पाएगा। मैंने कहा ना, उसके हिसाब से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, अदरवाइज कोई यूज नहीं। हमने मोटे छेद का ले लिया तो दोनों के दोनों चीजें निकल जाएंगी। तो इसका जो साइज है जिनको हमें अलग करना है, उन सब्सटेंस के अकॉर्डिंग लिया जाता है। जो लार्ज पार्टिकल है उससे छोटा साइज लिया जाता है सीव का, ताकि उसमें से छोटे पार्टिकल निकल जाए और वो पार्टिकल रह जाए। नेक्स्ट प्रोसेस है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। द इनसोल्यूबल सॉलिड्स। इनसोल्यूबल सॉलिड्स क्या होते हैं, जब हम किसी लिक्विड में सॉलिड को मिलाते हैं लेकिन वो पूरी तरह मिक्स नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल पार्टिकल्स फॉर्म फ्रॉम ए लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाई सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। यानी इसमें इनसोल्यूबल सॉलिड्स को हम अलग करते हैं और प्रोसेस में है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ इनसोल्यूबल पार्टिकल्स अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसमें ग्रेविटी प्रिंसिपल पे काम किया जाता है। दिस इज यूज्ड ओनली इफ इम्प्योरिटीज आर हैवियर। इसमें हैवी इम्प्योरिटीज होती हैं जो कि ग्रेविटी फोर्स की वजह से नीचे सेटल डाउन हो जाती है। द हैवियर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द मडी वाटर सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। उसके नीचे बैठ जाएंगी व्हेन कंटेनर केप्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर ए व्हाइल। जब आपने देखा होगा कि मडी वाटर लो किसी ग्लास में, थोड़ी देर के लिए उसको अच्छी तरह मिक्स करो, फिर उसको एक जगह रख दो, तो क्या होगा, मड नीचे सेटल हो जाएगी और ऊपर आपका पानी बच जाएगा। सेडिमेंटेशन कैन बी मेड फास्टर। चलो इसके बारे में अभी बताता हूँ। पहले आपके सामने जैसे एक जार है, इस जार के अंदर पानी है और इसमें ये इम्प्योरिटीज है, जो ये इम्प्योरिटीज है काफी ज्यादा, ये अभी हमने मिक्स कर दिया, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए एक जगह पे प्लेस कर देंगे, तो क्या होगा, जितनी भी इम्प्योरिटीज थी सारी की सारी नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, सारी नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और जो ऊपर बचेगा वो आपका प्योर वाटर बचेगा। अब हम बात करते हैं कि जैसे अभी हमने सेटल डाउन किया, लेकिन कुछ पार्टिकल हो सकता है छोटे मोटे, इसमें पार्टिकल जिनका वेट ज्यादा नहीं है, जो ग्रेविटी से नीचे सेटल नहीं हुए, हमें तो इनको भी नीचे सेटल करना है। तो इन पार्टिकल्स का वेट बढ़ाने के लिए हम कुछ केमिकल ऐड करते हैं, जैसे कि पोटास एलम जो है वो यूज किया जाता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं लोडिंग। लोडिंग का मतलब क्या है, इनका हमने वेट बढ़ा दिया ताकि ये सेटल डाउन हो जाए। जब हम पोटास एलम को मिक्स करते हैं तो ये सारी की सारी इम्प्योरिटीज जो है नीचे सेट हो जाती हैं। सेडिमेंटेशन कैन बी मेड फास्टर। हम इसको फास्ट बना सकते हैं बाई एडिंग द केमिकल नेम्ड पोटास एलम। अच्छा, जो ये पार्टिकल थे जो अभी भी रह गए, इनको हम बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल। ये जो है सस्पेंडेड पार्टिकल है, सस्पेंडेड पार्टिकल। दिस प्रोसेस जो हमने अभी इसमें पोटास एलम को जो मिलाया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लोडिंग। नेक्स्ट है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन नेक्स्ट आता है सेडिमेंटेशन से। जब आप पहले सेडिमेंटेशन करते हैं तो सारी इम्प्योरिटीज क्या हुई, सारी इम्प्योरिटीज नीचे सेटल हो गई और फिर हमने धीरे धीरे दूसरे जार में इससे पानी को अलग कर लिया, तो पानी अलग हो गया और इम्प्योरिटीज अलग हो गई। जो अनडिजोल्व सॉलिड्स था वो यहाँ पे बच जाएंगे, लिक्विड दूसरे में चला जाएगा। डिकेंटेशन इज द स्लो रिमूवल ऑफ वाटर टू सेपरेट द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द वाटर आफ्टर सेडिमेंटेशन। ये जरूरी नहीं है वाटर ही हो, और भी लिक्विड्स हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज द सेपरेशन ऑफ इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम द वाटर यूजिंग द फिल्टर पेपर। इसमें हम फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। आपके पास एक ये फनल है, फनल के अंदर यहाँ पे हमने एक फिल्टर पेपर लगा रखा है अंदर की तरफ, उसके अंदर लिक्विड डाला, तो क्या होगा, जब ये जैसे जैसे इसके अंदर इम्प्योरिटीज होगी, इम्प्योरिटीज ऊपर रह जाएंगी और जो नीचे आएगा वो प्योर आएगा। जो नीचे आया इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। ये जो आया इसको हमने बोला फिल्ट्रेट, जो फिल्टर होके आता है, और जो इम्प्योरिटीज यहाँ पे बचेंगी उनको बोलते हैं रेजिड्यू। इसको बोलते हैं रेजिड्यू। तो मिक्सचर को फिल्टर पेपर के थ्रू अलग करते हैं, फिल्टर पेपर पे जो इम्प्योरिटीज बचती है उनको बोलते हैं रेजिड्यू, और जो नीचे फिल्टर होके जो लिक्विड आता है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। लिक्विड पासेस थ्रू ए फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्ट्रेट एंड इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर आर कॉल्ड रेजिड्यू।
तीनों प्रोसेस दिखाई गई है, ये सेडिमेंटेशन है, ये डिकेंटेशन है, धीरे धीरे हम उसमें से पानी को अलग करते हैं, और ये फिल्टर। नेक्स्ट मेथड है इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इवेपोरेशन इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इंटू वेपर्स, यानी ये जो प्रोसेस है वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। द सेपरेशन टेक्निक आर यूजफुल टू फॉर ऑब्टेन द साल्ट फ्रॉम सी वाटर। जब सी वाटर जो होता है उसे हम सॉल्ट को अलग करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। बड़े बड़े स्टोरेज बना दी जाती है सी के शोर पे, उनमें पानी फिर वो इकट्ठा हो जाता है, फिर धीरे 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 सन की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ता है और पानी क्या होता है इवेपोरेट हो जाता है, और जो सॉलिड नमक होता है वो वहीं पर सेटल हो जाता है। तो इस तरह से नमक हम अलग करते हैं, पानी सारा उड़ गया वेपर बन के और जो हमारे पास बचा वो सॉल्ट बचा, नमक हम सॉल्ट हम ऐसे अलग करते हैं। वेन यू गो टू द बीच ऑन द सनी डे नेक्स्ट टाइम टेक सम सी वाटर इन ए बाउल, एक बाउल में लेना एंड कीप इट असाइड टिल यू स्पेंड सम टाइम एंजॉइंग। जब तक आप वहाँ पे इंजॉय करो, जब तक उसको एक साइड में रख दो, वेन यू कम बैक यू विल ऑब्जर्व दैट देयर इज एक्चुअल सॉल्ट इन द बाउल, क्यों जो पानी था वो इवेपोरेट हो गया, वाटर जो था इवेपोरेट हो चुका है और अब यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ सॉल्ट बचा। बट वेयर डिड सॉल्ट कम फ्रॉम एंड वेयर डिड द वाटर गो, दोनों देखो जो हमारे पास सी वाटर था, सी वाटर में सोल्ट ऑलरेडी होता है और जो वाटर था उसका क्या हुआ, वेपरेशन हो गया उसका, वो वेपर्स बन के उड़ गया। दैट इज बिकॉज सी वाटर कंटेन्स सॉल्ट एंड द वाटर इवेपरेट्स एज इट हीट्स अप। एक यहाँ पे देखो हमारे पास एक फनल है, इस फनल में मान लो हमने सोल्ट और वाटर का मिक्सचर ले रखा है, यहाँ पे सोल्ट और वाटर का मिक्सचर है इसके अंदर, इसके अंदर सोल्ट और वाटर है, सोल्ट वाटर का मिक्सचर है। जब इसको हम हीट अप करेंगे, जब इसको हीट अप करेंगे तो क्या होगा, जो वाटर है वो इवेपोरेट होगा, लेकिन अब वो बाहर ना जाए, हमने देखो पानी भी इकट्ठा करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमने कोर्क लगा दिया, कोर्क के थ्रू एक पाइप लगा दी, इस पाइप से जब वेपर्स जाएंगे, वेपर की डायरेक्शन ये होगी, वेपर जब इस पाइप के थ्रू जाएंगे तो दूसरे कंटेनर में, यहाँ पे तो ये चीज गर्म है लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और जो वो थे वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, वेपर क्या है ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी और यहाँ पे आपके पानी जो है वो इकट्ठा हो जाएगा, यानी धीरे धीरे वेपर्स बनेंगी, वेपर बन के इधर पानी इकट्ठा हो जाएगा। जब वेपर्स का वाटर में कन्वर्ट होना, इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स into liquid state, liquid state में convert होना है। Have you seen water droplets on the outside of cold bottle? अच्छा कभी आपने देखा होगा कि जब एक बिल्कुल chilled bottle आप फ्रिज से निकालते हैं और उसको साइड में रखते हैं तो उसके चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाता है, वो पानी आया कहाँ से, जो एयर में मॉइस्चर होता है, जो एयर के अंदर मॉइस्चर था वो वहाँ पे कंडेंस हो गया, वो वहाँ पे कंडेंस हो गया, कंडेंस होके वहाँ पे ड्रोपलेट्स आ गई। This is an example of condensation. The temperature inside the bottle is very low and compared to the outside. जो बाहर है उससे temperature bottle का कम था, तो जो air में जो moisture था वो condense हो गया। When water vapors come in contact with the surface of the bottle, it condenses, that is convert into liquid water and form the droplet on the surface. सेम जब कुकिंग करते हैं तो जब किसी प्लेट से किसी बर्तन को ढका जाता है, नीचे से तो हीट अप कर रहे हैं, नीचे से टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन प्लेट पे जाके जब वो टकरा रही है तो वहाँ पे क्या ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर ऊपर जाके डाउन हो जाता है नीचे के कंपेरिजन में, तो वहाँ पे आप ड्रॉपलेट्स देख सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, टू सेपरेट मिसिबल लिक्विड्स, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक इज यूज। मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे में पूरी तरह मिक्स हो जाए। इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट इन द बॉइलिंग पॉइंट, ये हम सेपरेट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे। बॉइलिंग पॉइंट हर लिक्विड का अपना अलग अलग होता है, कोई चीज़ पहले वेपरेट होती है, कोई चीज़ बाद में वेपरेट होती है। क्रूड ऑयल इज ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, जो क्रूड ऑयल होता है उसके अंदर अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, पेट्रोल का अलग बॉइलिंग पॉइंट है, केरोसिन का अलग है, डीजल का अलग है, जैसे कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो जितना कम होगा वो उतनी जल्दी इवेपोरेट होगा। मान लो जैसे पेट्रोल का कम है तो पेट्रोल सबसे पहले इवेपोरेट होगा। तो ऑयल रिफाइनरीज यूजेस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टू सेपरेट यूजफुल कंपोनेंट सच एज पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। नेक्स्ट मेथड है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द सॉलिड टू गैसियस स्टेट विदाउट इट्स बिकमिंग लिक्विड। कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनको हीट अप करने पे सीधा वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये लिक्विड स्टेट में नहीं जाते, सॉलिड से सीधा और सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका एग्जांपल है कैम्फर, CO2, आइस भी इसी का एग्जांपल है।
CO2 आइस को अगर गर्म किया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड आइस जो है वो सीधी कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है। ऐसे ही कैम्फर, कैम्फर भी सीधा वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। मान लो आपके पास एक सोल्ट है और जो कैम्फर है, इन दोनों का मिक्सचर है, कैसे अलग करेंगे? आपको सोल्ट अलग करना है इससे, तो हमें पता है कि भाई हम इसको जब हीटअप करेंगे, इस पूरे चीज को अगर हम हीट दे देंगे, तो इसमें से जो कैम्फर है वो वेपर बन के उड़ जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सोल्ट रह जाएगा। तो सब्लिमेशन क्या है, जो कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो सॉलिड से सीधा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उन सब्सटेंस को हम सब्लिमेशन से अलग करते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन। बाय दिस मेथड वी सेपरेट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, यानी जो भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है उनको नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस से अलग करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ए मैग्नेट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक पार्टिकल्स लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। मैग्नेट का काम क्या है, उसका काम है मैग्नेटिक पार्टिकल्स को अलग करना। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देखो, हमारे पास ये सल्फर और आयरन का एक सोल्यूशन है, ये वाला आयरन और सल्फर का सोल्यूशन है। हमने एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट ने क्या किया, इसमें से आयरन को अट्रैक्ट किया, क्योंकि मैग्नेट की क्वालिटी है सिर्फ वो आयरन, निकल और कोबाल्ट को अट्रैक्ट कर सकता है, तो उसने आयरन फिलिंग को इसमें से अट्रैक्ट कर लिया। आयरन फिलिंग हमने इस पे अट्रैक्ट की और हमने उसको अलग बाउल में डाल दिया, और जो बच गया वो आपका सल्फर बच गया, जो बचा वो सल्फर बचा। तो मैग्नेटिक सेपरेशन हम वहां यूज करते हैं जब मैग्नेटिक पार्टिकल्स नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स में मिक्स्ड होते हैं। आप इस एग्जांपल ध्यान दो, हमारे पास एक पाउडर्ड ओर है, यानी ओर क्या होता है, जब हम जमीन के अंदर से किसी मेटल को निकालते हैं तो वो रॉ मटेरियल होता है, जो रॉ मटेरियल है उसको है ओर, उसके अंदर इम्प्योरिटीज होती है, तो उसका पाउडर बना के जब एक ये बेल्ट है, यहाँ पे नॉर्मल व्हील है और ये एक मैग्नेटिक व्हील है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ पे आप देख रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेट लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, ये इलेक्ट्रिकली मैग्नेट बनाया गया है, तो ये मैग्नेट है। जब ये और जो पाउडर जो है यहाँ से जाएगा, ट्रेवल करेगा, तो यहाँ पे आके जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स है वो इससे चिपक जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा है, तो चिपक जाएंगे और वो यहाँ पे जाके अलग हो जाएंगे, वो यहाँ पे जाके सारे के सारे अलग हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट का असर खत्म हो गया है, नीचे से यहाँ से छूटने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स थे वो यहाँ से दूर गिर जाएंगे, यानी नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स अलग हो गए और मैग्नेटिक पार्टिकल्स अलग हो गए। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे जैसे ही हम उसे अपलोड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर।